हाय एवरीवन, मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीबी क्रीम मेकअप ट्यूटोरियल। तो बीबी क्रीम कैसे लगाना है और आप इसे रोज़ लगा सकते हो या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक टिप भी देने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा फेस अच्छे से एकदम क्लीन है, तो अब मैं पहले प्राइमर लगाऊंगी अपने फेस पे। तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ ये किस ब्यूटी का प्राइमर। तो इतनी अमाउंट का प्राइमर मैंने लिया है, तो इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि बीबी क्रीम जो होती है वो भी एक फाउंडेशन की तरह ही होती है, उसमें फाउंडेशन के टिंट्स होते हैं। तो हमें प्राइमर लगाना ज़रूरी है अगर हमें हमारी स्किन की अच्छे से केयर करनी है, तो प्राइमर लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्राइमर से हमें एक्ने प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होंगी, हमारे स्किन को कोई भी रेडनेस हार्शनेस कुछ नहीं होगा, हार्श नहीं होंगी हमारी स्किन। तो अब मैं लूँगी गार्नियर की बीबी क्रीम। तो मैंने इतनी अमाउंट ली है, थोड़ी ज़्यादा गिर गई है। बट मैं इससे अपना नेक भी कवर अप करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बीबी क्रीम ली है। इसके लिए मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से ही इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो है वो एकदम अच्छे से क्लीन सैनिटाइज हो। ये बीबी क्रीम काफ़ी लाइट वेट है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मैंने मेरे फेस पे कुछ लगाया, बिल्कुल भी हैवी नहीं है ये, और इसका इतना कवरेज भी नहीं है। और ये जो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज है। ऐसे पूरा मेरा फेस जो है ऐसा लग रहा है मैंने बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज किया है। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। लेकिन अगर आप इसे पाउडर से सेट कर दोगे ऑयली स्किन वालों, तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो अब मैं इसे पाउडर से सेट करूँगी। तो पाउडर के लिए मैं मेबिलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और इसके साथ जो ये पैड आया है इसी से मैं इसे फिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो मैंने अपनी बीबी क्रीम अच्छे से सेट कर ली है कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो आप चाहे तो ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब मैं अपनी टिप देने वाली हूँ आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो मेरा जो टिप है वो है कि अगर आप बीबी क्रीम रोज़ लगा रहे हो तो उससे पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल सा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि इससे जो आपके फेस पे है आपकी स्किन हेल्दी भी रहेंगी, और साथ ही साथ अगर आपको पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो
तो ऐसा मत सोचना कि बीबी क्रीम एवरीडे की क्रीम है, तो इस हिसाब से हमें प्राइमर हम स्किप करके डायरेक्ट हम बीबी क्रीम लगाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो ये थी मेरी टिप। अब मैं अपनी आईब्रो करेक्शन कर लूँगी। तो आईब्रो करेक्शन के लिए मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। तो आईब्रो करेक्शन तो हो गई है। अब मैं अपने फेस की कॉन्टरिंग करूँगी। आप कॉन्टरिंग स्किप कर सकते हो, जैसे कि मेरा फेस काफ़ी चबी है तो इसलिए मैं कॉन्टरिंग कर रही हूँ। तो कॉन्टरिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये निक्का के ब्रांड का कॉन्टर पाउडर। तो कॉन्टरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ब्लशर लगाऊंगी। मैं बहुत ही लाइट ब्लशर लगाने वाली हूँ आज, तो इसलिए मैं ले रही हूँ ये मेबिलिन का चीकी ग्लो ब्लशर। इसका जो शेड है बहुत ही लाइट पिंक है। अब मैं अपने आईलैश कर्ल कर लूंगी एक आईलैश कर्लर से। और अब मैं मस्कारा लगा लूंगी। तो मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ ये मेबिलिन का मस्कारा। तो अब मैं लेने वाली हूँ ये फिर से आईब्रो पेंसिल और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्मज कर लूँगी। आप चाहे तो काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं लगा लूंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं ले रही हूँ HR ब्रांड की ये क्रेयॉन लिपस्टिक। इसका शेड है 22। तो ये मेरा बीबी क्रीम मेकअप कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। टिल दैट सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।